नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा कंट्रोवर्सी होती है, हमेशा एक दूसरे को लेकर बात होती है और उस विवाद में कोई तीसरा जरूर कूद जाता है। इस कड़ी में कुछ दिन पहले एक चर्चा हो रही थी जिसमें कि आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव ने एक फेसबुक लाइव किया था और फेसबुक में लाइव के दौरान उन्होंने पवन सिंह का एक फकीर वाला यानी कि जो गरीब जो भिखारी वाला लुक था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उनके एक फिल्म का था वो, और फिल्म का उसमें उन्होंने एक्टिंग किया है पवन सिंह ने, और उस तस्वीर को शायद देखा होगा खेसारी लाल यादव ने। और खेसारी लाल यादव ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राह पर पवन सिंह चल रहे हैं और हमारे जैसा लुक जो है वो देने का प्रयास किए हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल का खेसारी लाल यादव को सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि खेसारी ही सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। और इस कड़ी में जब कल्लू अरविंद अकेला कल्लू ने एक पुराना फोटो सोशल मीडिया फेसबुक पर साझा कर दिया, उसके बाद से और ये विवाद गहरा गया और तमाम लोग जो हैं वो खेसारी लाल यादव को इस स्टेटमेंट को जो कि हम बने हैं पागल, इसके बाद पवन सिंह पागल बन रहे हैं, हमारी राह पर चल रहे हैं, उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम चर्चाएं होने लगी और तमाम तरीके की बातें होने लगी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पवन सिंह और खेसारी के बीच में चली रहा है तो ये कल्लू को बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। लेकिन कल आपको पता होगा कि बनारस में ललका टी सटवा वाला गाना खेसारी लाल यादव लॉन्च करने वाले थे और वहां पर पहुंचे हुए थे। जब इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो खेसारी लाल यादव ने ऐसा जवाब दे दिया कि शायद कल्लू के बीच सिट्टी विट्टी गिल हो गई होगी और पवन सिंह तो क्या ही कहें। दरअसल बात करें तो कौन पागल बना पहले, क्या बना, ऐसे जब सवाल पूछा गया खेसारी लाल यादव से तो उन्होंने कहा कि देखिए, पागल हम बने, पागल वो बने, चाहे पागल कोई और बने, लेकिन हम ही जब पागल बननी है तो वह चलल है, दूसरा का ना चलल। तो सोचिए, खेसारी लाल यादव ने निशाना साध दिया कि पागल तमाम लोग बन रहे हैं, पागल बनिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पागल जब हम बने तभी फिल्म चली है और 10 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो इस तरीके से विरोधियों का सिट्टी बिट्टी गुल जो है खेसारी लाल यादव ने कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी के भाषा के लिए, सम्मान के लिए, अगर कोई कुछ भी बनता है, पागल बनता है, भिखारी बनता है, गरीब बनता है, कुछ भी बने और वो बढ़िया एक्टिंग करे तो बढ़िया फिल्म लाए तो ये भोजपुरी के लिए अच्छी बात है और भोजपुरी सिनेमा के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से सोचिए, खेसारी लाल यादव का इस कदर का अंदाज है कि दर्शकों को पसंद आ जाता है और उन्होंने इस सारे उच्चारों में कल्लू को निशाना साध दिया और पवन सिंह पर भी बोल दिया कि भाई आप कुछ भी कर लें, हमारा ही चला है और हमारे इस रिकॉर्ड को तोड़िए, तब समझ में आएगा कि कौन बेहतर पागल बना है। बाकी इस पर अपनी राय दे दीजिएगा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।